मुल्क के 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को नौकरी से निकालने के दावे का क्या है सच, जानिए मेरे साथ। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज बहुत फैलाया जा रहा है। इस वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अमूल कंपनी के मालिक आनंद सेठ ने अपनी फैक्ट्री से 1,38,000 मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया है। कहा है कि देश में थूक वाला जिहाद देखकर हम लोगों को गंदा दूध, दही, घी नहीं खिला पिला सकते हैं। आनंद सेठ ने यह भी कहा है कि गायें हमें दूध देती हैं, उसी से हमारा बिजनेस चलता है और कुछ दूसरे रिलीजियंस के लोग इसे खाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है और हम अपनी कंपनी में ऐसे हत्यारों को नहीं रख सकते। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी ने कहा कि हमने बीते 2 सालों में अपने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है क्योंकि हमारा व्यापार बढ़ रहा है। अगर हम निकालेंगे तो भी इसका आधार धर्म से कभी नहीं हो सकता। RS सोडी के मुताबिक अमूल की देश भर में स्थित फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम करते हैं और इनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता है, ना कि उनके सामाजिक धार्मिक आधार पर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए औरंगाबाद तक को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। इससे लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।